बताएं साहब ये फिजियोथेरेपी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं थोड़ा सा आगाह करेंगे फिजियोथेरेपी क्या है और ये जरूरी क्यों uh, फिजियोथेरेपी जो है वो बेसिकली जो नाम आया है फ्राम uh, फिजिकल थेरेपी अब फिजिकली आप किसी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अब mm. जो फिज़िकल थेरेपी का बेसिक मकसद है वो है ब्रिंगिंग क्वालिटी टू लाइफ फिजिकल थेरेपी स्टार्ट हुई थी आज से फोर हंड्रेड सिक्सटी बी सी में उसके बाद जो है 1913 थर्टीन एंड नाइनटीन फोर्टीन में न्यूजीलैंड में स्कूल्स बनना शुरू हो गए एंड फर्स्ट रिसर्च वी वन इसका ज्यादातर एक्सपोजर तब स्टार्ट हुआ जब हमारे पास वर्ल्ड वॉर हुए उनके बाद जो बम ब्लास्ट से और बुलेट्रूफ इंजरीज से हमारे पास पेशेंट्स आए और उनको वापस मोबालाइज करना था फिर उसके बाद पोलियो का जब ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद लोग

फिज़ डॉक्टर डिग्री जो 2008 से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई आ, इसका जो रुझान है ज्यादातर उन लोगों में है हम हमें जहाँ तक समझ आती है आम عوام को समझ आती है कि चले दर्द से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट करता है लेकिन mm. ऐसे नहीं है हमारे फिजिकल थेरेपी में बहुत सारी फील्ड्स है जिसमें स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी पेड्रियाटिक फिजियोथेरेपी गाइनकोलॉजिकल फ़िजियोथेरेपी तो फील्ड काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है ज़्यादातर डिजीज़ेस आजकल जो चूँकि ज़्यादातर न्यूट्रीशनस डॉक्टर्स जो है वो एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब करते हैं अप, अपनी ट्रीटमेंट के लिए hmm. तो बेस्ट जो ट्रीटमेंट आजकल चल रही है इन द मार्केट वो फिजियोथेरेपी है ये नॉन इन्वेसिव मेयर है इसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती okay. इसमें आपको ऑपरेशन की तरफ जाना नहीं पड़ता और आप अपनी ज़िंदगी में जो है मैार लेके आ सकते okay.